घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। भूतपूर्व उत्साह के साथ मनाई गई। इन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा, लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं, नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी, कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए, हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। वर्तमान में खरगोन में शांति है, पर्याप्त पुलिस बल वहां पर मौजूद है, कर्फ्यू अभी लगा हुआ है। एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है, 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है, ये प्रदेश है, इसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना ही बिगाड़ने हम देंगे। एसपी साहब के पैर में छर्रे लगे हैं, हम गोली भी कह सकते हैं उसे, वो घायल हुए हैं। हमारे पुलिस के 6 जवान और घायल हुए हैं वहाँ पर, और अभी वो नॉर्मल है। सिर्फ एक व्यक्ति है शिवम शुक्ला नाम के, जो पुलिस के नहीं है, वो थोड़ा सिर में चोट ज़्यादा है, बाकी कोई भी गंभीर अभी नहीं।